आइए हम कहेंगे, हरिद्वार से हरिद्वार बने अग्नि परिवार। पूज्य स्वामी जी महाराज की जो संकल्पना हर घर तक यज्ञ पूर्वक योग पहुंचना चाहिए, ऐसी जो संकल्प पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य बालकृष्ण महाराज की आशीर्वाद से जो लिया है, इस संकल्प को हम साकार करेंगे। हम अपना जीवन में यज्ञ को समझ पूर्वक, यज्ञ पूर्वक योग को समझ पूर्वक स्वीकारें और लोगों तक पहुंचाए। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो सपना है, हर परिवार को वैदिक परिवार बनाए, ऐसे संकल्प के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ उनको अंजलि में रखकर आइए, हम सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ ऐसी अतीत शक्ति को आह्वान करेंगे, ओंकार के साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री देवेभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने मन को शक्तिवान बनाएंगे और आर्द्रता के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति दे इस जीवन को सार्थक की ओर ले जाए, संकल्प को साकार करे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम शुरू किया। आइए हम सबसे पहला शुद्धिकरण प्रक्रिया आचमन करेंगे। आइए आपका राइट हैंड में पानी लेकर, अथा आचमन मंत्राः, स्वाहा। दूसरी बार पानी लेंगे, ओ अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लेंगे, ओ सत्यम यशश्रीर्मयि श्री शयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करेंगे। आइए हम दूसरी हाथ में पानी लेकर शुद्धिकरण प्रक्रिया की दूसरी भाग भगवान से प्रार्थना करते हुए, यह शरीर
देवालय है, मेरा आजीवन स्वस्थ रहे और साथ दे, ऐसी कामना के साथ हम एक एक अंग को स्पर्श करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। अथ अंग स्पर्श मंत्राः ॐ वाङ्म आस्येस्तु। वाणीशक्ति दे परमात्मा। ॐ नसों मे प्राणोस्तु। श्वास में प्राण शक्ति दे। ॐ अक्ष्णोर मे चक्षुरस्तु। दृष्टि बढ़ाए। ॐ कर्णयोर मे श्रोत्रमस्तु। सुनने की शक्ति बढ़ाए। ॐ बाह्यं मे बलमस्तु। भुजायों में बल बढ़े। ॐ ओरोर्म ओर्ण। ॐ बाह्यं ॐ ओरोर्म ओजस्तु। ओजस बढ़ाए। ॐ अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वामि सहसंतु। पूरा शरीर में चिल्काते हुए अपने आप को पवित्रता की एहसास करें। आइए हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझाया ऐसी 8 वेद मंत्रों के साथ हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनम पाठनम्
ईश्वर स्तुति प्रार्थना के बाद ईश्वर की जो प्रतिरूप है ऐसी 33 करोड़ देवताओं की मुख अग्नि भगवान को आह्वान करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रुग्मताओं से पर होकर हम आत्मा की परम उन्नत स्थिति की ओर पहुंचे ऐसी कामना के साथ ओ ओ स्वाहा, दोनों हाथों को छोड़कर अग्नि भगवान को आह्वान करेंगे। अयम जो शुवा में एक कपूर को रखेंगे, और प्रज्वलित दिया में से ही अग्नि को लेंगे, आज्ञादान करेंगे, अथ आज्ञादान मंत्राः ओम स्मर्तौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिण्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पुष्टे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायाद्धे। अग्नि को स्थापना कर तुरंत एक छोटी सी सबिदा जो घी के साथ सिंचित किया उसको बीचों बीच रखें। आयम अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो ऐसी प्रार्थना के साथ ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगम सुजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत। अयम आज्ञा दान करेंगे अथ अयम सविदा दान करेंगे अथ सविदा दान मंत्राः ओम अयं चैव आत्मा जात वेदस्ते निद्यस्ववर्तस्वचे दवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नानाद्येय समेत स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः। दूसरे सविदा को देंगे ओम समिदाग्निं दुवस्यता भूतये बोधयथातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना समिताय सूतिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। इस सविदा को लेंगे ओम तत्वा सविद्भिरङ्गिरो कृतेन वर्तयामसि गृहचोचाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नये अंगीरसे इदम नमः। तीनों सुविधा को सुविधा दान कर इस लोक में अंतरिक्ष लोक में पाताल लोक में तीनों लोकों में शांति स्थापना हो ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम 5 बार एक ही मंत्र के साथ गायकर के साथ आहुति देंगे। कृताहुति मंत्र ओम अयं चैव आत्मा जात वेदस्ते नित्य स्ववर्त स्वचे तवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयं चैव आत्मा जात वेदस्ते नित्य स्ववर्त स्वचे तवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेतय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयं तैव आत्मा जात वेदस्ते नित्य स्ववर्त स्वचे तवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयं तैव आत्मा जात वेदस्ते नित्य स्ववर्त स्वचे तवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः।
आत्मा जात वेदस्ते स्वर्धस्वचेतवर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे इदम नमः। अयम अग्नि को अच्छी तरह से प्रज्वलित किया, इस अग्नि भगवान को देखो, उनका दर्शन करो और सुबह सुबह हम अग्नि भगवान को तृप्त करेंगे। हे भगवान, आप ही सर्वस्व है, हमारे जीवन को उजाला करने वाला यही अग्नि भगवान है। भगवान को तृप्त करने की प्रक्रिया यज्ञ यानी क्या है, भगवान को तृप्त करने की प्रक्रिया। आइए, जहां हम रहते हैं वहां प्रकृति को समृद्ध करना है, भगवान को तृप्त करना है, तो रोज सुबह और शाम दोनों संध्या पर हमें यज्ञ की आहुति देना चाहिए। आइए हम जलप्रसेचन के साथ हम आहुति देंगे। सबसे पहले जलप्रसेचन करेंगे पूर्व दिशा पर दक्षिण से उत्तर की ओर, अथ जलप्रसेचन मंत्राः ओम अदितेन मन्यास्वा। अभी पश्चिम दिशा पर दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अनुमतेन मन्यास्वा। उत्तर दिशा पर पश्चिम से पूरब की ओर ओम सरस्वत्यनु मन्यास्वा। आइए हम ईशान्य से लेकर दक्षिण की ओर से पश्चिम की ओर से ईशान्य तक चारों दिशा पर परिक्रमा करते हुए ओम देव सवित पशु यज्ञ पशु यज्ञ पति पदाया दिव्यो गंधर्व केतपु केतन्न पुनातु वाचस्पतिर वाचन्न स्वदतु। चारों दिशा पर आयम इस कलश को ईशान में रखेंगे, व्याख भी ईशान में रखेंगे। अभी सबसे पहला नुताहुति मंत्र के साथ चार आहुति गायकर का देंगे। अतः नुताहुति मंत्राः ओम अग्नये स्वाहा। उत्तर दिशा की संख्या पर पश्चिम से पूरब की ओर ओम स्वाहा इदं सोमाया इदं नमः। आहुति ओ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः। चार आहुति श्रद्धा के साथ में देना चाहिए। एक आहुति उत्तर दिशा, एक आहुति दक्षिण दिशा, दो आहुति बीचों बीच, इस तरीके से समाहुति देना चाहिए। आइए हम एक तरफ सामग्री रखेंगे जो विशेष सामग्री है, पित्तेष्टि कफेष्टि वातेष्टि मेदेष्टि कर्कटेष्टि चर्मेष्टि प्रारब्धेष्टि, ऐसी विशेष जो सामग्री ने हमें दिया जो हमारी हर रोगों को निकाल सके, ऐसी सामग्री को इस्तेमाल करेंगे। अभी युद्ध की सीजन है, हम हमारी जो ऐसी जो विशेष सामग्री जिसमें शांत हो श्वेत चंदन को भी डाले, ऐसे आइए हम एक तरफ सामग्री के साथ साथ प्रातः कालीन आहुति सूर्य भगवान को। अतः प्रातः कालीन हवन मंत्राः ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। अथ सायंकाल हवन मंत्राः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। श्री मंत्र महिमन ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा।
ओम भूरत्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूवर्वाय व्यपानाय स्वाहा इदं वाय व्यपानाय ओम स्वराधित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भुवस्वरग्नि वायुवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायुवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं स्वाहा ओम या मेधां देव गणा पितरश्च उपासते दया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्नासुवा स्वाहा ओम अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोद्यस्म जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा ॐ सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजसु ब्रह्मलोकं स्वाहा अथ राष्ट्रप्रार्थना मन्त्राः ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यशूरो इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् रौद्रे धेनुरूढा नडवानाशु सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरतेष्टाः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधय पश्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पता स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः आइए हम राष्ट्र प्रार्थना के साथ यज्ञ को संपन्न किया। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे इस यज्ञ पूर्वक योग को पूरा भारत में फैलाए, हमारे प्रांत में, हमारे मोहल्ला में, हर घर तक इसे ले जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम, हमसे जो भी गलती हुआ उसको क्षमा करें, ऐसी कामना के साथ सृष्टा खुदावती देंगे। इधर गाय का दूध के साथ और गाय का घी के साथ हम आहुति देंगे। अथ सृष्टा खुदावती मंत्राः ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कुद्विद्वा सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कुते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ता हुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्न कामान् समर्थय स्वाहा। हम गाय के गुड़ के साथ और घी के साथ या मिष्ठान्न के साथ आहुति दिया, हम अपने आप को ऐसी
प्रार्थना के साथ हमसे जो भी गलती हुआ वह 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 मन से हो, तन से हो, किसी से भी हो, गलती हुआ उसको क्षमा करो, जाने अनजाने जो भी गलती हुआ क्षमा करो, इस विधि विधान में भी गलती हुआ क्षमा करो, ऐसी प्रार्थना के साथ प्रायश्चित भावना से माहौति देना। आई हम एक आहुति इदम अग्नये सृष्टकृते इदम न मम, एक आहुति गायिका के साथ प्रजापति को देंगे। ओ इदम प्रजापते इदम न मम, आइए पुनः होती देंगे। ओम सर्वं वैपूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वैपूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वैपूर्णं स्वाहा। थोड़ी सी जो अवशिष्ट इसमें से लेंगे, गायक जी को लेंगे। दोनों हाथों को लगाकर प्रार्थना करेंगे। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम वोजोसि वोजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोसि सहोमयि देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाद् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब बद भाव देखे, सन्मार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए हम दोनों हाथों को जोड़कर यज्ञ भगवान से प्रार्थना करें। हमारे भाव सारे सागर से तले,
शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगो शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। योगेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो गो माता का पालन करेंगे, अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी विशेष रविवार विशेष साप्ताहिक यज्ञ को हम पूर्ण किया और यज्ञानंतर हम इस संविधा को प्रज्वलित संविधा को सही ढंग से चयन करें और एक साथ नजदीक लाए और इसके साथ साथ इसमें हवा ना जाए इस तरीके से हम चयन करना नजदीक नजदीक लाना। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा गुगुल को इस्तेमाल करेंगे गायका घी को इस्तेमाल करेंगे
इस गुगुल और गाय का गुग का ध्वनि को लेते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। दिव्यष्टि हो या गुगुल हो, बहुत ही बढ़िया है, इसके साथ प्राणायाम करेंगे। आज बहुत ही अच्छा लगा, हमारी जो कमला दीदी आया और राकेश जी, साथ साथ विश्वनाथ भैया। विश्वनाथ भैया तो केदारनाथ जाके पूरा परिवार के साथ उनके माता पिता को साथ में लेकर वहां तक जाकर आया, बहुत अच्छा लगा। विश्वनाथ जी और राकेश भैया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ जी आपको कुछ कहना है? आपका जो ऐसी जो बुजुर्ग 75 ईयर्स का आपका पिताजी और माताजी को लेकर केदारनाथ तक जाकर आया और सही मातृ सेवा किया, बहुत अच्छा लगते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी करो अभी करो। ओम भ्राता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गौशाला में बहुत बढ़िया, आप एक तरफ गौ सेवा दूसरी तरफ यज्ञ सेवा पूरा बच्चों को साथ में लेकर किया, बोलिए बोलिए आप। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद और बालकृष्ण जी का आशीर्वाद और हमारा जो यज्ञ ब्रह्मा है स्वामी यज्ञदेव जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग हरिद्वार से लेकर हर द्वार बने यज्ञीय परिवार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसी माध्यम से कई 15 दिन पहले 8 तारीख लगभग 8 तारीख में यहाँ से हमारा प्रवास हुआ था चार धाम के लिए। तो हरिद्वार को पहला दर्शन हुआ और हरिद्वार से हम शुरू किया था, पहला यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ का जो अनुभव है वो अनिर्वचनीय है, क्योंकि बहुत अद्भुत वहां पर भगवान का सृष्टि जो है, भगवान का जो लीला है वहां दिखा है। स्वयं भगवान वहां पर कैसा प्रकट होता है, स्वर्ग यानी क्या, वहां पर हमको ऐसा निजी रूप में दिखा है। और वहां से बद्रीनाथ भी गए और उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश, हरिद्वार तो गया। तो इसमें मुझे तो ऐसा एक संकल्प था, मेरा माँ पिताजी का 12 ज्योतिर्लिंग में 11 हो चुका है, एक ज्योतिर्लिंग नहीं हुआ वो केदारनाथ का है। तो ऐसा माँ का इच्छा था मुझे केदारनाथ करना है, बहुत दिन से अमरनाथ भी किया, सभी ज्योतिर्लिंग करके आया, अमरनाथ करने के बाद भी मुझे एक ज्योतिर्लिंग नहीं हुआ बोल के मन में था। तो ऐसा माँ ने उसका जो इच्छा प्रकट किया तो हम लोग सोचे कि ठीक है माँ इस बार हम जाएंगे, क्योंकि COVID-19 के बाद बहुत 19, 20, 21 3 साल तो नहीं था केदारनाथ चारधाम की यात्रा। तो हम लोग अभी 2023 में भगवान का आशीर्वाद लेके स्वामी जी को फोन किया था, यज्ञदेव जी को, स्वामी आपका आशीर्वाद होना हम लोग केदारनाथ जा रहे। तो भगवान का आशीर्वाद अच्छा था, 17 तारीख 16 तारीख